प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है और मुझे आशा है कि मेरे कार्यक्रम को देखने के साथ साथ आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद लेना भी सीख रहे हैं। पिछले कई सालों से चर्च जाने के बावजूद डार्लिन चेक का एक भी गाना सुने बिना रहना शायद ही संभव होगा। डार्लिन ने आराधना चलाई है और महिला सम्मेलन में प्रवक्ता भी रही हैं। आने वाले महिमा सम्मेलन में वो आराधना चलाएंगी। मुझे खुशी है कि आज डार्लिन हमारे साथ हैं। डार्लिन चेक विश्व विख्यात गायिका हैं। वो गाने लिखती हैं और ऑस्ट्रेलिया के हिल सॉन्ग चर्च में आराधना गुआ है। वो हिल सॉन्ग म्यूजिक एल्बम की प्रस्तुतकर्ता और प्रमुख गायिका है। डार्लिन ने 60 से भी अधिक गाने लिखे हैं जिसमें शाउट टू द लॉर्ड भी शामिल है और ये गीत हर हफ्ते 25-30 करोड़ चर्च जाने वालों द्वारा गाया जाता है। डार्लिन आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, मैं बहुत उत्तेजित हूँ। तो आप एक आराधक हैं? लगता तो है। वास्तव में कई लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं और शायद आज लगभग करोड़ों ऐसे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो वास्तव में आत्मिक जीवन में प्रभु की स्तुति आराधना करने का महत्व नहीं समझते हैं। आपको यहाँ बुलाने में एक खास वजह यह है कि मुझे लगता है लोगों को ये समझाना जरूरी है कि परमेश्वर के संग चलने में आराधना का वास्तव में विशेष महत्व है। तो फिर क्या आप आराधना के महत्व के बारे में बताएंगे? जरूर, भला ये तो संगीत और गाने से बढ़कर है। इसी में लोग अटक जाते हैं। वे सोचते हैं मैं एक संगीतकार नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, तो फिर एक आराधक की योग्यता मुझमें कैसे रहेगी। रोमियो 12 हमारे आत्मिक क्रिया के बारे में बताता है। आराधना का आत्मिक अर्थ है अपने जीवन को इस तरह से न्योछावर करके जीना कि मसीह में आपका परिपूर्ण प्रेम प्रकट हो। परंतु बड़े पैमाने में इस शब्द का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने, जोर से चिल्लाने, हाथों को ऊपर करने, घुटने टेकने, झुकने के लिए उकसाना, परंतु ये नहीं कि रॉबर्ट की तरह चलिए आराधना करें। ओ ये देखिए, अंदर से आना चाहिए। सच्ची आराधना वही है जो परमेश्वर से प्राप्त प्रकाशन से उत्पन्न होती है। आप मूसा, दानियेल, दाऊद, इब्राहिम आदि के जीवन को देखिए और नए नियम में मरियम का, इन सब का परमेश्वर से मिलन हुआ और इसके फलस्वरूप वे ऐसे आराधक बने जिन्होंने उसके नाम की महिमा के लिए जीने का फैसला किया। आराधना शब्द की अनेक परिभाषाएं हैं, उनमें से एक है सेवा करना। सही बात है, अर्थात उसमें सब शामिल हैं, कोई छूटा नहीं है। आराधना सभी पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए है, केवल उन लोगों के लिए ही नहीं जो संगीत में प्रवीण है। और एक वचन बाइबल में है, यदि कोई आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं, स्तुति के भजन गाएं। बहुत बढ़िया है, इसका अर्थ है कि सबके लिए है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ बस आराधना कीजिए, बस आराधना कीजिए, स्वर्ग समझता है। बाइबल खुश दिल से प्रभु की स्तुति गान करने के बारे में बताती है। और ये मुझे पसंद है क्योंकि ये मुझे उस स्त्री की याद दिलाता है जो फर्श पोछते हुए गाती है, या उस पुरुष की जो अपने कार में तेल बदलते हुए मन ही मन गुनगुनाता या फिर गीत गाता है। और जब हम इस कार्यक्रम की सारी तैयारी कर रहे थे और आप उस ओर बैठी थी, तब मैंने आपको अकेले बैठे गाते हुए देखा, आप अपने आप गा रही थी। मुझे यकीन है कि आपको हर समय परमेश्वर की आराधना भरी वातावरण को बनाए रखने की आदत है। जरा बताइए कि हर समय किसी बात पर रोते रहने की अपेक्षा खुशी से गाते रहने पर हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। ये एक फैसला है। मुझे वो वचन पसंद है जो कहता है सदा सदा मैं प्रभु की स्तुति करता रहूंगा, उसकी प्रशंसा सदा मेरे मुंह में रहेगी। अर्थात जब आपके मन में इच्छा जागे, आपको फैसला करना है। भारी आत्मा को दूर हटाकर स्तुति का वस्त्र धारण कीजिए, यह आप पर छोड़ दिया जाता है। अपना वस्त्र जमीन पर रहने दें या स्तुति के वस्त्र को पहनकर परमेश्वर की ओर आवाज उठा सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। मैं हर दिन ये कहकर नहीं उठती हे मेरे मन प्रभु को, कभी कभी उठते समय मैं निराश रहती हूँ, या फिर कभी कभी उठते समय निराश या थकी हुई आपको खुद फैसला करना पड़ता है। जिस क्षण आपको आराधना करने का फैसला करना होता है, उसी क्षण आप कभी कभी फैसला करने से सचमुच चूक
जाते हैं तो फिर वो क्षण आपके लिए निर्णायक होगा। मुझे याद है एक बार मैं बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी। वास्तव में मैं बहुत ही भयंकर सिरदर्द से पीड़ित थी और मैं एक डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, जिसे लेने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा मानो मेरे सिर पर रेल दौड़ रही हो। और जब आप बुरे वक्त से गुजरते हैं या अजीब सा महसूस करते हैं, तब यद्यपि लोग आपको समझने की कोशिश करके आपकी भलाई करते हैं, फिर भी आपके मन की गहराई में लगता है कि कोई भी आपको नहीं समझता, इसके कारण आप अकेलापन महसूस करते हैं। हाँ। मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और सुबह होने को था, सब जगह अंधेरा छाया हुआ था, सन्नाटा सा था, देव सो रहे थे, शायद मेरे बगल में लेटे लेटे सुनहरा सपना देख रहे थे और मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए पहले से ही तरह तरह के उपाय अपना चुकी थी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ था और इस दवा ने तो मेरा जी बिल्कुल खराब कर दिया था और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उठकर बाथरूम गई और मेरे पेट में भी कुछ ठीक नहीं था, मैं अपना सिर दीवार पर टेक कर टॉयलेट बाउल पर बैठी थी। तब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी कि गाओ। मैंने एक गीत भी सुना जो मुझे गाना था और आश्चर्य की बात ही कि वो एक गाना था जिसे मैं नहीं जानती थी कि मैं उसका राग जानती हूँ। वो बहुत ही पुराना गीत था, शायद बरसों पहले कभी मैंने उसे सुना था। मैं ठीक से नहीं जानती कि उसके बोल क्या थे, पर उसमें ये शब्द आते थे कि आई गो टू द गार्डन अलोन। मैंने कहा गाऊं, मुझे गाने का मन नहीं है, पर प्रभु चाहता था कि मैं गाऊं, इसलिए मैं अपना से दीवार पटे के गाने लगी कि आई गो टू द गार्डन अलोन। शायद मेरी आवाज उतनी ही बुरी नहीं थी। उतनी बुरी तो नहीं है। देखिए, स्तुति के वस्त्र धारण करना, जैसा कि आपने कहा, यदि मुझे ठंड लगती है और मेरे पास जैकेट है, मैं या तो उसे पहन सकती हूँ या ठंड सह सकती हूँ। यदि कोई दुखी हो, उसकी आत्मा व्याकुल हो और कठिनाइयों से गुजरता हुआ निराश रहे, तो बाइबल कहती है वो दुखी आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र धारण करे। तो ये धारण करना आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं गाना नहीं चाहती, मौज करने की कोई वजह नहीं है, मेरे जीवन में आभार प्रकट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु दाऊद अक्सर कहता था, उसका कथन था, मैं गाऊंगा। हाँ। ये सचमुच मुख्य है ना। त्यागपूर्ण आराधना के लिए अब्राहम और इसहाक के एक श्रेष्ठ उदाहरण। अब्राहम अपने प्यारे अतिप्रिय प्रतीक्षा के बाद जन्मे पुत्र को परमेश्वर के कहने पर बलि चढ़ाने को चल पड़ा और अपनी आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप वचनों में बार बार उसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि उसने कहा हाँ प्रभु मैं करूँगा। उसकी आज्ञाकारिता के कारण वचनों में बार बार उसकी भक्ति का उल्लेख हुआ है। लूका 7 में वो स्त्री जो महापापिन थी, खास तौर से दुष्ट थी, लूका का कहना है, मुझे लगता है लूका का ये नहीं कहना चाहिए था, दुष्ट पापिन स्त्री, इस स्त्री ने इस तरह से अपनी भक्ति प्रकट की कि बाकी सब कुछ भुला दिया गया। पर उसकी आराधना उस दिन और काल के लिए बहुत ही विशिष्ट थी। उन दिनों उस स्त्री को बहुत ही नीची नजरों से देखा जाता था, न जाने उसने अपने जीवन में क्या क्या किया था, पर उसने आकर कहा हाँ प्रभु मैं करूँगी। उसकी भक्ति और समझ के कारण उसने फैसला किया कि वो यीशु से मिलेगी और अपना सब कुछ उसे दे देगी। ऐसे अनेक विशेष आराधकों का वर्णन है जिन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा। हमारा विश्वास हमारी अनुभूति पर आधारित नहीं है। मेरे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब मुझे निराशा महसूस होती थी। मुझे याद है एक बार गर्भ में ही मैंने अपने बच्चे को खो दिया। हमें इस बच्चे के लिए लंबे समय से इंतज़ार था। तीसरे महीने में डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, बच्चा मर गया है। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं घर जाने के लिए कार में बैठी हुई थी और मार्क कार चला रहे थे। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं पा रही थी। मैं इतनी दुखी थी कि सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, और पवित्र आत्मा कह रहा था गा, और मैंने कहा नहीं। नहीं, उसने कहा तू गा। उसने 3 बार कहा तू गा, वही अच्छा है। मैं गाने लगी, सच कहा, सच में गाने लगी। Then sings my soul, my savior God, मेरे दिमाग से नहीं बल्कि मेरे हृदय से गाने लगी, सच में हृदय से। How great thou art, आपकी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता,
और तब कई वर्ष पूर्व मैंने एक गाना लिखा पर उसे गाया नहीं। वो ऐसा है, I will bless you Lord, how many soul cries out to you, my God I will। और मैं सोचने लगी ये तो बहुत कठिन है, लेकिन उस एक क्षण में मेरे हृदय में एक चमत्कार हुआ। कितनी और अच्छी बात है, परिस्थितियों के ना बदलने पर भी मैं परमेश्वर की प्रभु की महिमा हो स्तुति करने लगी। वो तो सचमुच हम सदा चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। और हाँ, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमारा जीवन अच्छा या बुरा होना परिस्थितियों पर नहीं वरन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है डार्लिन, जिनसे मैं कई बार परेशान और निराश हुआ करती थी। लोग मेरे खिलाफ उठ रहे थे या मैं जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहती। मुझे याद है कि मैं बिस्तर के कोने में बैठी आंसू बहाते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहती थी कि प्रभु चाहे मुझे आंसुओं से गुजरना पड़े मैं तेरी स्तुति करूंगी, क्योंकि चाहे मुझे जितना भी बुरा लगे मैं जानती हूँ कि तू भला है, मुझसे प्रेम करता है, तूने मेरे लिए बड़ी योजना बनाई है और मैं तेरी आराधना करूंगी चाहे फिलहाल मुझे इस विश्वास के बल करना पड़े। सचमुच मैं मानती हूँ कि स्तुति आराधना में शक्ति है। हम स्तुति और आराधना के द्वारा न केवल परमेश्वर का आदर करते हैं वरन उसमें हमारे लिए सामर्थ्य है। अभी इस वक्त ऐसे अनेक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनकी आत्मा दुखी या निराश और कुंठित परेशान है और अपने संपूर्ण जीवन के प्रति चिंतित हैं, और निराश व दुखी रहने और अच्छा महसूस करने की आशा तथा परिस्थिति के बदले जाने की कामना करने की अपेक्षा यदि वे अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करने लगे, चाहे उन्हें मन ही मन कितना ही रूखा लगे, चाहे उनकी आवाज़ जितनी भी कर्कश हो या चाहे वे खुद को बेसुरा माने, वैसे सबकी आवाज़ सुरीली नहीं होती है और आपकी आवाज प्रभु के लिए मीठी है क्योंकि उसी ने उसे आपको दी। ये सच है। और यदि लोग आवाज उठाकर गाने लगे तो अवश्य प्रभाव पड़ेगा। और हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हमारी बातचीत जारी रहेगी। दोबारा आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। डार्लिन, स्तुति और आराधना के बारे में बातचीत करना सचमुच बहुत बड़ी बात है। इससे मन करता है कि कहीं जाकर आराधना करें। जी हाँ, हर समय। दूसरा शमूएल के अंत में दाऊद बहुत ही बड़ी बात कहता है और मुझे लगता है कि वास्तव में ये आराधना के बारे में ही कहा गया है। उसके पास बलि चढ़ाने के लिए सस्ती चीज थी और अरौना उससे कहता है किसी को इसका पता नहीं चलेगा। तब दाऊद कहता है नहीं, मैं अपने राजा के सम्मुख कैसी कोई चीज नहीं ले जाऊंगा जो मुझे मेरे लिए सस्ती हो। मुझे भी ये बहुत ही अर्थपूर्ण है। तो वास्तव में जब आराधना करना कठिन होता है तभी वो अधिक मूल्यवान या उसका बिल्कुल विशेष महत्व रहता है। और आज के हमारे दूसरे अतिथि हमारे दल की सर्वप्रथम आराधना अगुवा हुआ करती थी, जो 20 वर्ष पूर्व हमारे दफ्तर में काम करती थी जब हमारे केवल 5 कर्मचारी थे। उसके बाद उन्होंने अन्य तरह तरह की सेवकाएं की। फिलहाल वे हमारे साथ फिर से आराधना अगुवा बनकर हैं और मुझे इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। जैकी डिशेलो, जैकी डिशेटलर सारी राष्ट्र और संसार भर में विशेष आराधना संगीत की सेवकाई करती हैं। लगभग एक वर्ष से अधिक जैकी जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज के आराधना समूह की श्रेष्ठ आराधना अगुवा हैं। जैकी ने संगीत पासवान बाइबल और सम्मेलन शिक्षक के रूप में सेवा की है और अपने देश में तरह तरह की सेवकाइयां की हैं। जैकी, आपसे मिलकर खुशी, मेरा सौभाग्य है। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको मिलती नहीं हूँ, परंतु ये कि टीवी शो में आने अच्छा से मुझे खुशी हुई। तो अब मेरे साथ दो अद्भुत अभिषेक परमेश्वर की सेविकाएं व आराधना गुवाएं हैं जो हजारों लाखों लोगों को स्तुति आराधना करने की प्रेरणा व शिक्षा देती हैं। तो जैकी, कुछ समय तक डार्लिन से स्तुति आराधना की सामर्थ्य के बारे में बातचीत करने तथा अपने अनुभवों के बारे में कहते हुए बड़ा मजा आया। अब आपकी बारी कि आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटी है जब आपने उन सिद्धांतों को अपनाया जो आप दूसरों को सिखाते हैं। सच कहूँ तो जब मैं और डार्लिन पर्दे के पीछे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे तब मैं उनसे अपने सबसे पहले अनुभव के बारे में कह रही थी जो आज्ञाकारी बनने की बात थी। कई साल पहले जब मैं क्लब में गाया करती थी प्रभु मुझसे लगातार कहते रहते और अंत में एक दिन रात को मैंने कहा ठीक है प्रभु, हाँ मैं जानती हूँ कि तू क्या कह रहा है, मैं इसे करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा जैसे ही इस काम को मैं छोड़ दूंगी
परमेश्वर मेरे लिए दूसरा रास्ता खोलेगा, पर क्या आप जानते हैं कई वर्ष बीत गए थे, उसने मुझे वहां से बाहर निकाला और उसे मेरे हृदय को रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ा। लेकिन सच कहूं तब जाकर मैंने आराधना करनी सीखी, सुबह जल्दी से उठकर परमेश्वर को पुकारना और उसकी आराधना करना सीखा। हम टूटे हुए हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु, हम कहते हैं प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, हम ऐसा कहते हैं ना। निश्चय ही आराधना केवल गाना गाने से बिल्कुल अलग बात है ना जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अनेकों का विचार है शायद इस कार्यक्रम को देखने वालों का, जो सोचते हैं कि रविवार के दिन चर्च जाकर गाने की पुस्तक से गीत गाना ही आराधना है, लेकिन वो तो इससे बहुत ही अलग बात है ना। बिल्कुल अलग है। हाँ, कितना अलग है। क्योंकि गाने की पुस्तक से गाना तो किसी ने पन्नों पर आपकी सुविधा के लिए गाने के बोल लिख रहा है या उसे आप गाते हैं, लेकिन आराधना तो ऐसी जगह से निकलती है जैसे कि आप कह रहे थे लूक 7 में, जहाँ एक स्त्री यीशु के पास सबसे उत्तम सुगंधित तेल लेकर आई और उसने यीशु के पैरों पर उड़ेला और वो रोने लगी और उसने अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। उसका हृदय उसके लिए इतना नम था, बहुत ही नम, उसके प्रति उसका प्रेम इतना सच्चा और गहरा था। आराधना वहीं से निकलती है। बहुत से लोग धर्म को जानते हैं पर यीशु को नहीं जानते जी। कई लोग चर्च जाते हैं पर मसीह को नहीं जानते, लेकिन जब आप वास्तव में उसके तथा उसकी अच्छाइयों के बारे में जानते हैं और जानते कि वो कितना अद्वितीय और अनोखा है, तब सच्ची आराधना अंदर की है। किसी पुस्तक से गीत गाना अच्छी बात है, आप उस तरह से आराधना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी पुस्तक में से गीत गाकर आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसा कर सकते हैं, परंतु कई लोग नहीं करते। कुछ लोगों के लिए वो तो केवल औपचारिकता मात्र है, वे शब्दों को देखते हैं और गीत गाते हैं। बात यह है कि आप पुस्तक को देखकर गीत तो गा रहे होंगे, लेकिन आपका मन बिल्कुल कहीं और भटक रहा होगा। सच्ची आराधना का अर्थ है परमेश्वर पर पूरा ध्यान रखकर दिल से उसके बारे में कहना। क्या हम कहीं भी आराधना कर सकते हैं डार्लिन? जरा इसके बारे में हमें बताइए। क्या हम घर पर अपने आप की आराधना कर सकते हैं? क्या हमें बैंड बाजों की जरूरत है? नहीं। आराधना के लिए एकमात्र आवश्यक चीज है आपका हृदय, उतना काफी है। यदि आप दाऊद के जीवन को देखेंगे, वो कहता है मेरा मन तेरे लिए ही तरसता है हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो सिद्ध मनुष्य ना था, लेकिन वो जानता था कि वो परमेश्वर की सेवा करता है। हम हर हफ्ते एक घर में इकट्ठे होकर भजन संहिता का अध्याय करते हैं। भजन 55 में ही है, न जाने लगता है कि ये 10 वर्षीय भजन अध्ययन है। हमने बार बार यही देखा है कि पहले 3 या 4 वचनों में दाऊद शिकायत करता है और अचानक अपने आप सतर्क होकर कहता है हे मेरे मन, मेरा हृदय। वो एक प्रकार से अपने मन को संयमित करता है और फिर उसकी भाषा बदल जाती है और फिर परिस्थितियां, ये अविश्वसनीय है। और यही हम बार बार देखते हैं, ये एक मानसिक भाषा है, ये ऐसी भाषा नहीं है जो संगीत में मिलती है। सृष्टि तैयार है परमेश्वर की आराधना करने को, यदि हम अपनी जगह नहीं लेंगे तो सृष्टि उसे लेने को तैयार है। हमें अपनी जगह लेनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। और है वही असली स्वर संगीत होगा, ऐसा कहना चाहे बिल्कुल नहीं, कोई स्वर संगीत मेरी जगह नहीं ले सकता, मैं अपना स्थान किसी और वस्तु को नहीं दूंगी। जैकी, आराधना में धन्यवाद देने का क्या स्थान है? डार्ली नबी अभी बता रही थी कि दाऊद इन भजन संहिताओं में शिकायत से आरंभ करता है, 3-4 वचनों में वो शिकायत करता है और फिर अचानक उससे अपने किए का एहसास होता है कि उसने जो भी किया शरीर के अनुसार किया, उसके बाद शरीर के कहने की अपेक्षा वो अपने मन से कहने लगता है। तो कई लोग शिकायत करते हैं, हम शिकायत भरे समाज में जी रहे हैं, तो आभारी होना जरा बताइए कि इसका आराधना से क्या संबंध है? एक पुरानी गीत का बोल है, जितनी भी आशीषें पाई हैं उन्हें दीजिए। जब आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप किसी विषय के बारे में ना सोचकर आशीषों को गिने। ये एक मीठी बोली है, परंतु ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अक्सर हम सही चीजों को बढ़ावा देने की अपेक्षा गलत चीजों को बढ़ावा दे देते हैं।
और अगर सच कहूँ तो गलत चीज़ें हमारे दिमाग में और फिर हमारे दिल में हमारे हृदय में विशाल रूप ले लेती हैं, काफ़ी विशाल। लेकिन जब हम उन बातों पर ध्यान देने लगते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया, हमें करने का अवसर दिया है, और ये कि वह हमारी देखभाल और सुरक्षा कैसे करता है, किस तरह से वो बेशक हमसे प्रेम करता है, प्रेम तब करता है। सही बातें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम अपने हृदय को पहचानते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। और जब हम इन बातों को बढ़ावा देते हैं तो हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। और मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानती, लेकिन यदि मेरे बच्चे कृतज्ञता से यदि मेरे पास आकर कहते हैं, माँ जानती हैं मैं सचमुच आपसे प्रेम करता हूँ, आपने मेरे लिए जो किया मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा हृदय तुरंत चाहने लगता मैं और भी करूँगी मैं और अधिक करूँगी, मुझसे जितना हो सके मैं करूँगी। लेकिन यदि वो मेरे पास आकर मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, तो मैं अपने आप कहती हूँ वाओ। भजन 100 कहता है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करके उसके आंगन में स्तुति करो। तो जहाँ तक की प्रार्थना का सवाल है, जब लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें वास्तव में अपने निवेदनों और मांगों के साथ आरंभ नहीं करना चाहिए। हर बार प्रार्थना करते समय हमें प्रभु का धन्यवाद करते हुए आरंभ करना चाहिए और धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करना। स्तुति शब्द का आधार है, स्तुति करना पद का मूल शब्द है, धन्यवाद देना। सचमुच जैसा कि जाकी बता रही थी, इससे एक द्वार खुलता है जब हम अपने स्वर्गीय पिता के पास हर समय उसे ये कहते हुए जाएं कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तेरा धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे बस यही इच्छा है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती, कुछ समय बाद मैं तुमसे विनती करने आऊँगी, अब मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये कितना बढ़िया है, ये सच्चा और बेशत है, ये आपके लिए नहीं उसके लिए ही है। हमारे बच्चों में से एक ने हमसे निवेदन किया और एक निश्चित परिस्थिति में मदद करने को हमसे कहा, तो हमने कहा अवश्य हम तुम्हारी मदद करेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। आज सुबह जब मैं उस बच्चे के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तब मैंने देखा कि उसने अपना फ़ोन उठाकर अपने पिता से कहा कि मैं दोबारा आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस हालत में मेरी मदद की, मैं आपका आभारी हूँ। उसने शायद 5-7 बार धन्यवाद कहा, और ये ज़रूरी है, ये बहुत मुख्य बात है कि हम कृतज्ञ रहें और शिकायत या नाराज़गी न जताएं, क्योंकि मैंने सीखा है कि शिकायत करने पर शैतान के लिए आपके जीवन में द्वार खुल जाता है। आप दोनों कल भी मेरे साथ कार्यक्रम में भाग लेंगी। आज हमारे पास समय की कमी है, परंतु कल फिर हम इस विषय पर और भी अनेक बातों की चर्चा करेंगे। सो देखते रहिए, सारी जानकारी पाइए। कल फिर हम आपसे मिलकर आराधना और स्तुति के बारे में और भी अधिक चर्चा करेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं, आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।